हाय बेब। ए हाय सिद, हाउ आर यू? गुड। क्या बात है, ड्रेस चेंज कर लिया? जस्ट लाइक दैट। वेटर कहाँ चला गया? हे, वो कौन है? हमें हिस्ट्री चैनल की तरह देखे ही जा रहा है। उसकी आंखों के अंदर भी एक मिस्ट्री है, मुझे आधे घंटे से घूर रहा है। इस तरह के लोगों को इतना मारना चाहिए कि उनकी नानी याद आ जाए। ए, लाइटली ले यार। चार आने की औकात नहीं, बारह आने के ख्वाब देखते हैं ये लोग। Stupid fellow, idiot. बहुत घूर लिए, अब सीधे हो जाइए सर। hey, रिस्पेक्ट करने नहीं आता है क्या? एक्सक्यूज मी, रिस्पेक्ट देते हैं ऐसे लोगों को। हाँ, जाओ। वन वेज बर्गर एंड टू कॉफी। ओके, ब्रिंग इट फास्ट। ओके मैडम। ये आइडिया बहुत अच्छा है ना? यस। प्रोफेसर सर को दिखाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हे सपना आ गई। Hi. How are you? I'm fine. अरे वाह, गेटअप भी चेंज कर लिया। सुपर है ना? प्रोजेक्ट पूरा हो गया ना? और नहीं तो क्या, तू एकदम एंजल लग रही है पता है। किसी का इंतजार कर रहे हो? या फॉर एन इडियट। हाँ ओके, कम सिट दिस। हे ए स्टूपिड, ए अक्ल नहीं है क्या? क्यों रे, बार बार टेबल के नीचे से झांक रहा है। क्या चाहिए तुझे, शर्म नहीं आती? चुप्पी, ऊपर से एक्सप्लेनेशन दे रहा है तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी सब क्या हो रहा है बे? देखो मैं वैसा लड़का बिल्कुल नहीं हूँ, रिस्पेक्ट से बात करो मुझसे। रिस्पेक्ट चाहिए तुझे, चल साइड में आ। किसी पे हाथ डालना अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे थोड़ा टाइम दोगे तो मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा और तुम्हें क्लैरिटी भी मिल जाएगी। क्या एक्सप्लेनेशन देगा? उसकी गर्लफ्रेंड को लाइन मार रहा था, वो उसकी लवर है पता है। शांत हो जाओ। अरे नहीं नहीं, ये दोनों नहीं, वो दोनों। अच्छा, अबे तू उसको टेबल के नीचे से देखेगा तो उसको गुस्सा नहीं आएगा क्या? नहीं है। अबे तू इससे क्या बात कर रहा है, चार खींच के दूंगा ना तो सीधे हॉस्पिटल के बेड पर रहेगा ये। कुछ हुआ नहीं तो झगड़ा किस लिए, क्या बात कर रहे हो तुम? क्या नहीं हुआ है बे? लड़कियों की टांगे देख रहा है और यहाँ पर नाटक कर रहा है। चल पुलिस स्टेशन में चलते हैं। पुलिस स्टेशन की बात मत करो, अगर मामला वहाँ तक गया ना तो मेरा बैकग्राउंड भी कम नहीं है। तेरे बैक के ना ग्राउंड पे मारूंगा, ज्यादा एक्स्ट्रा फुटेज मत खा, चल निकल यहाँ से। बॉय स्टॉप इट, प्रोफेसर के आने का टाइम हो गया है तो चलो अपना काम शुरू करते हैं। मैडम आपकी तरह आपका दिल भी बहुत अच्छा है। क्या रे, इसको भी तू लाइन मार रहा है? आप भी थोड़ी बहुत अच्छी हैं, आप भी थोड़ा कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। ए चल अब निकल ले। कूल कूल, अबे जाना। ओके गाइस, कम कम कम, कितना इरिटेटिंग है। कम गाइस, लेट्स सिट। हां और मैं ये कह रहा हूं, सर आ गए। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कम सिट। गुड टू सी यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तुम लोगों ने चार महीने मेहनत करके एलोरा टेंपल असाइनमेंट पूरा किया है, कंग्रेचुलेशंस। सर हमें आपको भी विश करना है, आर्कियोलॉजी रिसर्च को आपने इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। वी आर प्रिविलेज्ड सर। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। सर दिस इज फॉर यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस। यस सर, सो नाइस ऑफ यू। अलग अलग राज्यों से आकर आप लोग एक ग्रुप बनाकर ऐसे काम कर रहे हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। सर एलोरा केस में बेसिक वर्क पूरा हो गया है, अगर आप परमिशन दे तो हिस्ट्री चैनल वालों को प्रोजेक्ट भेज दे। गुड, मैं एक बार देखकर भेज दूंगा, वो लोग दो हफ्तों में अप्रूवल करके भेज देंगे, देन वी विल सी। ठीक है सर। सर टेंपल्स के अलावा हमारे पास कोई और टास्क नहीं है? व्हाई नॉट, आर्कियोलॉजी में सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं मिस्ट्री भी रहती है। मिस्ट्री सुन के अच्छा लगा ना? ये हिस्ट्री बहुत बड़ी मिस्ट्री है। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिन्हें अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका है, जैसे पिरामिड्स, बर्मुडा ट्रायंगल। इसके अलावा जर्मनी में एक डेविल्स ब्रिज है, 15वीं शताब्दी से पहले उसे बनाया गया था, कहते हैं उसे एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने बनाया था। आर्किटेक्ट ने इसको पूरा करने के लिए एक प्रेत आत्मा का सहयोग लिया था,
उस आत्मा ने उस आर्किटेक्ट से एक वादा लिया, ब्रिज बनने के बाद जो भी सबसे पहले वहां से गुजरेगा वो उसकी बलि लेगी। ब्रिज बनने के बाद आर्किटेक्ट ने बहुत ही चालाकी से एक डॉगी को उस ब्रिज पर सबसे पहले भेज। ये देखकर प्रेतात्मा गुस्से में आ गया और उस प्रेतात्मा ने आज तक किसी को ब्रिज क्रॉस करने नहीं दिया है। कैलिफोर्निया में विंचेस्टर होम है। इसको सन 1350 में सारा विंचेस्टर नाम की एक महिला ने बिना किसी इंजीनियर की सहायता लिए खुद ही डिजाइन किया और उसका निर्माण भी किया। निर्माण के समय उसका पति और उसकी बेटी दोनों मर गए और वहां रहने वाले लोगों ने सोचा कि किसी भूत ने उन दोनों को मारा है और वहां काम करने वाले भी एक एक करके मारे गए, लेकिन कारण पता नहीं चला। आज भी लोग दिन में ही उसको जाकर देख सकते हैं, लेकिन वहां रहने के लिए कोई हिम्मत नहीं करता है। सर, हमारे इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। है ना, व्हाई नॉट। इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, राजस्थान का भानुगढ़ फोर्ट देख लो। आज भी उस फोर्ट में रात के समय किसी को जाने नहीं दिया जाता। आज भी वो रहस्य कोई भी हल नहीं कर पाया। सर, हमारे आसपास में कुछ नहीं है क्या? है ना, हमारे स्टेशन ऑफ फॉरेस्ट में एक तल्ला कोना एरिया है, वहां एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन वो असल में है क्या, किसी को भी नहीं पता चला है। सर, लोकेशन बताएंगे क्या? यस, यहां से 400 किलोमीटर की दूरी पर नागपुर हाईवे पर जाएंगे तो राइट साइड में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, वहां एक ब्रिटिश बंगला भी है। वही है मिस्ट्री की लोकेशन। सर, अगर आप परमिशन दे तो हम भी जा सकते हैं। नो, पूरी जानकारी के बिना परमिशन नहीं है, हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसके लिए सिर्फ एक ही बुक है, अभी वो लंदन में है, मैंने उनको लेटर लिखा है, वो कुरियर से भेज देंगे, बहुत ही जल्दी आ जाएगी। जब तक उसको ना पढ़ें, उस मिस्ट्री के बारे में मुझे भी नहीं पता। जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज, वहां से बुक आने के बाद और फिर परमिशन लेने के बाद हम सब लोग साथ में चलेंगे। सो गाइस, सबका वीकेंड का क्या प्लान है? 2 days वीकेंड है ना, हम उस जगह पर जाकर रिसर्च करके प्रोफेसर को सरप्राइज देंगे तो कैसा रहेगा? हे, जबरदस्त आइडिया है सपना। वहाँ कुछ डेंजरस हुआ तो? डेंजरस होगा तभी तो मजा आएगा। लेट्स डू इट। ओके, गाड़ी का इंतजाम टेलू करेगा। डन। अकोमोडेशंस अजय देखेगा। या एक्चुअली वहाँ पर एक ब्रिटिश गेस्ट हाउस है, तो मैं वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर से बात करके 2 nights का इंतजाम आराम से कर सकता हूँ। हे, 3 nights के लिए कर लो ना, तुम दोनों के लिए बहुत कंफर्टेबल होगा। अरे ओ डेड दिमाग, हम लोग हॉलीडे के लिए नहीं जा रहे हैं, रिसर्च पर्पस से जा रहे हैं। अरे हाँ, लास्ट टाइम कैलाश टेम्पल गए थे रिसर्च करने, इसको सर्च करते ही रह गए थे। दिमाग से पैदल है भाई, किधर भी चल देती है। hey, अगर मेरे ऊपर जोक मारेगा ना तो छोड़ूंगी नहीं। तेजू, आई विल किल यू समडे, आई एम टेलिंग यू, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। और वैसे भी तो हम लोग कल फॉरेस्ट के लिए निकल ही रहे हैं ना, वहाँ इसे मार देना, हमें छुटकारा मिल जाएगा। ये तेरे पीछे पड़ा है, संभल के आ। गाइस, बी सीरियस। ओके, कल सुबह स्टार्ट करते हैं, सब लोग अपना अमाउंट टिल्लू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ओके भानु, फूड और ड्रिंक्स तुम देखना। ओके। टिल्लू, सुबह तुम सबसे पहले मुझे पिक करोगे। एंड 2, 3 लास्ट तेजू। ओके, कल मिलते हैं। बाय 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 गाइस। क्या है, घर तक आ सकते थे ना? भाड़े का पैसा तेरे पापा देंगे। तू मेरा बीपी बढ़ा रहा है, समझा? अरे भाई, एसी चालू करो। नहीं है मैडम, पहले ही बोला था ना। ठीक है, म्यूजिक लगा दो प्लीज। सिस्टम नहीं है मैडम, पहले ही बोला था ना। अरे कैसी गाड़ी है ये? अरे जितना बजट है उतना ही मिलेगा ना, घोड़ा गाड़ी के प्राइस में मर्सिडीज थोड़ी आएगी। हे, क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग? एंजॉय द ड्राइव, खुश रहो ना यार। एंजॉय करूं और इस कार में, जबकि बाजू में ये है? और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास? क्यों नहीं है, बिल्कुल है। चीयर्स यार। अरे स्टॉप इट यार, तुझको नहीं बाबू, बेबी को बोला, तू कंटिन्यू कर। अरे
तुम दोनों का बिछड़ा हुआ प्रेमी हमें गाड़ी में पीछे फॉलो कर रहा है क्या? ए, छोड़, उस पे ध्यान मत दे। ए, लाइटली लो यार। अरे भाई लेफ्ट लेना, उसको जाने देना। आराम से चलाओ। अबे तेरी तो, ए पागल हो गया क्या? आराम से चलाओ भैया। छोड़ना, छोड़, उसको जान दे। से चला भाई, जोश जोश में ठोक मत देना। ए, उसे क्या बोल रहा है? उसने कब से दिमाग खराब करके रखा है? अरे वो साइको, इसको जाने दे, उसके चक्कर में अपनी गाड़ी का कचरा थोड़ी करना है। What happened? देखता हूँ मैडम। ओके। लगता है बहुत टाइम जाएगा। बहुत निकल रहा है, जल गया है क्या? सिग्नल नहीं है, क्या करेंगे? यहाँ पर सिग्नल तो छोड़ दो, सर्विस के लिए भी कोई नहीं आने वाला। So why are you trying यार? बताओ क्या problem है? सर इंजन में प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, ये तो आउट ऑफ सिलेबस। खराब हो गई तो दूसरी गाड़ी देखे क्या? अरे इस रोड पर इंसान नहीं दिखते हैं, तो कार और साइकिल कहां से दिखाई देगी? दूसरी गाड़ी की बात कर रही है। कुछ तो आवाज आ रही है, तुमने सुनी क्या? ए, ये तो वही गाड़ी है ना? ए, यही कार तो हमें फॉलो कर रही थी। बाप रे, आइला ये हमारा पीछा करते करते इधर तक आ गया। क्या बे, तू फिर से वापस आ गया? इजी ब्रो, तुम लोग के थ्रिल के साथ मैं यहाँ सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। ये कोई थ्रिल होता है क्या? किसी को कुछ हो जाता तो क्या? अगर फोन में सिग्नल होता तो अब तक कंप्लेंट कर देती। मैडम कूल, देखिए आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे पता चल गया था कि आप लोग ट्रिप पे जाने वाले हैं, इसलिए मैं आप लोगों की मदद करने के लिए चला आया। हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं, ये बात तुम्हें कैसे पता चली? जब से इसने ये कार बुक की है ना, तब से मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ आ गया। ए, बकवास बंद कर, और हमारे बारे में कैसे जानता है, पहले ये बता। चल बता। कूल ब्रो, इससे पता चला है मुझे। अबे यार, ये रिकॉर्डर मैंने रेस्टोरेंट के टेबल के नीचे रखा था। हमारी टेबल के नीचे क्यों रखा था? मैंने इसे इसलिए रखा था क्योंकि मेरी फ्रेंड की सिस्टर का किसी से अफेयर चल रहा था। मेरे फ्रेंड ने बताया कि वो वहाँ आएगा, इसलिए मैंने इसे वहाँ रख दिया था। अब इसे बैड लक कहूँ या गुड लक, आप लोग उस दिन आ गए और मुझे इस ट्रिप के बारे में पता चल गया। ब्रदर, कार तो फ्री है ना? आर यू स्टूपिड, उसके साथ कैसे जाएंगे? कार में जाएंगे। दिमाग नहीं है क्या? अरे हम लोग अनजान जगह जा रहे हैं, ये साइको नजर आ रहा है, इस अनजान आदमी के साथ कैसे जा सकते हैं? बताओ। तुम्हारी सारी बात सही है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, हमें इसी गाड़ी में जाना पड़ेगा। तुम्हारा ज्ञान हो गया हो तो अभी गाड़ी में बैठ के चले हम। ए स्टूपिड, ही लुक्स डेंजरस, इसके साथ कैसे जाएंगे? मैडम आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और आप लोग की गाड़ी खराब हो चुकी है, और यहाँ आप लोग को कोई भी गाड़ी मिलने वाली नहीं है।
देख भाई, ये लोग आए ना आए, तू आज से मेरा भाई है, मैं आ रहा हूँ। दिस इज अ वेरी बैड आइडिया। हेलो ब्रदर। हाँ? अपना आधार कार्ड नंबर दो ना भाई। वो किस लिए ब्रदर? कहीं रास्ते में आपने मेरी इज्जत लूट ली तो? ओह, ए पागल अच्छा। के अगर इसने कुछ कर दिया तो किसे कंप्लेंट करेगा? हाँ मैं तुझसे कंप्लेंट करूंगा। तू जा, मैं कुछ नहीं करूंगी। तुम चलो निकल। चलो भाई, ए टाटा। ए चलो अब चलते हैं। चलो 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 आ जाओ। ये लो, इसे रख लो। थैंक यू सर। थैंक्स। मैंने जैसा कहा था वैसा ही किया तुमने। ओके सर। हेलो मैडम, आपको लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है क्या? नहीं, मतलब ड्राइवर रखना पसंद है, सही कहा ना? ओके। मैडम आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है। गियर। अच्छा, ओके ओके। मैडम इस तरह से मत देखिए, आंखें बाहर निकल आएंगी। अरे क्या हो गया? क्या हुआ? अरे बाबा, इसकी तो हवा निकल गई। अरे वहां देखना, वो ढाबा है। अब क्या हुआ? मैं जैक भूल गया। अरे यार, ये गाड़ी तो तेरी है ना? हाँ। आरसी दिखाऊं क्या? अब ये सब छोड़, और वहां पर वो ढाबा दिखाई दे रहा है ना, वहां ट्राई करते हैं। हाँ जाओ। हाँ तो चल, मैं आता हूँ। चलो ना, चलते हैं। अरे चलो, खड़े क्यों? मैं नहीं आ रही हूँ। अरे इस आदमी के साथ रहकर दिमाग खराब हो गया। मैं यही रहूंगा। तेरी तो भाग। वो नहीं आ रही है, मैं यही रहूंगा। ए क्या है ना, तेरी शक्ल बहुत अच्छी है इसलिए वो तेरे साथ आना नहीं चाहती। तुझे कोई आवाज आ रही है? हाँ आ तो रही है। अरे हाँ, मुझे भी सुनाई दे रही है। ओह माय गॉड, आदिवासी कौन है? तुम पीछे हटो। Who is he? कौन हो तुम? मेरी इज्जत लूट लेगा? क्यों रे, काम तमाम हो गया? Come on, tell me, क्या चाहिए तुम लोगों को? कौन हो तुम? मेरा नाम माल्या है, मैं इस ढाबे का ओनर हूँ। माल्या? ओ अच्छा, माल्या की तरह वहाँ छुप गया था क्या? छुपा नहीं था, मैं चूल्हा जला रहा था। ठीक है, और वो कौन है, खून से लथपथ क्यों है? ओ वो मेरा असिस्टेंट है, उसका नाम है कात्या। बकरे को काटने के लिए कहा था लेकिन ये तो उसके खून में ही नहा कर आ गया। अरे फिल्म के पोस्टर की तरह खड़ा क्यों है, जाए यहाँ से। देखो दोस्तों, अभी तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, शाम को यहाँ पर बहुत ट्रक आते हैं, तभी मैं खाना बनाता हूँ। अगर चाहिए तो वहाँ पर पानी रखा है, जाओ पी लो। यहाँ पे हम लोग खाना खाने नहीं आए हैं। तो क्या ढाबे पर मुजरा करने आई हो? अरे हम हेल्प मांगने के लिए आए हैं। हेल्प चाहिए? इसी तरह हेल्प कर करके मुंबई का बड़ा सा ढाबा बेच कर मैंने यहाँ जंगल में ढाबा खोला है। गुरु जी। क्या कहा? मतलब गुरु जी। क्या चाहिए बेटा? मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है,
अगर जैक मिल जाता तो थोड़ी हेल्प हो जाती। उससे काम चलेगा क्या? अजय देख वो रहा। हेलो। डील होने से पहले उसको हाथ भी मत लगाना। हम उसे खरीद नहीं रहे, बस टायर लगा के रिटर्न कर देंगे इसे। लुक मिस्टर, मेरे पास से जो भी गया है लौट कर वापस नहीं आया, इंक्लूडिंग माई वाइफ। आपकी वाइफ तो नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए नो हेल्प ओनली डील। कितना चाहिए बोलिए ना। हे, 200 बोल रहे हैं, देना। हेलो, दो उंगली दिखा रहा हूँ मतलब 200 नहीं, 2000 चाहिए। ये बहुत ज्यादा है। ओ चाचा, उस घटिया से जैक के लिए 2 रुपए नहीं दूंगा। अबे पीले नींबू की औलाद चुप रहे। 2000 ही तो मांग रहा है, दे दो ना। क्यों नहीं दे रहे, आर्ग्यूमेंट्स क्यों कर रहे हो? ये लो रखो। भाई हाँ, तू टायर चेंज करना जानता है ना? हाँ आता है, दो मुझे। तो ये लेकर, ये पकड़। मैडम कहाँ चली गई? हमारी सपना कहाँ है? हा? सपना 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 सपना। उसको कॉल कर जल्दी। हट, सिग्नल ही नहीं है इधर। सपना, एक बार और ट्राई करके देखना। अबे सिग्नल तो आना चाहिए ना। वो देखो वहां से आ रही है। ओह थैंक गॉड, लो आ गई। रोड बहुत पतली है, बी केयरफुल प्लीज। मैडम आप बिल्कुल मत डरिए, मैं ड्राइविंग परफेक्ट करता हूँ। शू मेकर, बचपन में जूता पॉलिश करता था मतलब। ए वो शू मेकर नहीं था, शू मार्कर था। अच्छा तो ऐसा बोलो ना। क्या हुआ भाई? शायद रोड पे कोई। अरे खून! दिया इसने, बॉडी भी तो नहीं है यहाँ पे। अरे खून की बारिश हुई है क्या? हाँ पता नहीं, अचानक से कोई सामने आ गया। कौन आ सकता है यार? वो रोड ठीक नहीं है ना, इसलिए।
कुछ नहीं, उधर जा रहा हूँ। अरे वो भी बड़ा। कौन है? पता नहीं। कौन है आप? तुम लोग आने वाले हो, फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया था। आपका नाम क्या है? भूतनाथ। शक्ल देखो इसकी। भूतनाथ। हम लोग आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से आए हैं, रिसर्च करने के लिए 2 दिन यहाँ पर ही रहेंगे। बंगले में मेरी बीवी है, जाकर बंगला देख लो। अब क्या करना है? ए, पागल हो क्या? बाहर सब लोग खड़े हैं। भूतनाथ जी, रात को यहाँ खाना खाना तो मिल जाएगा ना? हाँ मिलेगा, नदी से मछली पकड़ कर ले आऊंगा, बना कर खिला दूंगा। खाना खाने के बाद वहाँ आकर सो जाना। अरे नहीं भैया, हमें यहाँ पर रहना है। फिर वहाँ रहने के लिए क्यों कह रहे हो? यहाँ पर रात को कोई नहीं ठहरता, पहले से ही ऐसा है। जाकर मेरे घर पर सोना। रात में यहाँ रुकेंगे तो क्या होगा? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, सालों से यहाँ पर कोई नहीं ठहरता, तुम लोग भी नहीं ठहरोगे। क्या होने वाला है पता चलना चाहिए ना। जानने के लिए जिंदा रहोगी तब ना। पर उसके लिए तुम हो ना। मैं रात में अपने घर चला जाता हूँ, दिन में ही यहाँ रहता हूँ। तो इसमें क्या हुआ? क्या यहाँ पर कोई भूत रहता है जो हमको यहाँ मार डालेगा? अगर यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी होगी। बात वो नहीं है भैया, हमारी बात तो रहना है कि जाना है। भूतनाथ जी, हम आपकी बात नहीं काट रहे हैं, आप जाके मछली मार के लेके आइए, तब तक हम लोग यहीं रहते हैं। खाना खाने के बाद हम सब आपके घर आ जाएंगे। ठीक है, मैं मछली लेकर आता हूँ, तुम लोग यहीं पर रहना। ये आपका है ना? मैडम, मैं मदद करूं आपकी? हुँ।
अभी तक नेटवर्क नहीं आ रहा। अपना लगेज नहीं लोगे क्या तुम लोग? जरा वो गिटार लेना। अरे लगेज तुम्हारे पास हो हमारे पास क्या फर्क पड़ता है, एक ही हर बात में लॉजिक होता है इसके। थैंक यू। अरे बाद में ले लेंगे, उसमें क्या है। ए टिल्लू चल कर देखते हैं कि यहाँ पर मछलियाँ कैसे पकड़ी जाती है। अरे जाओ तुम। ए चला जा। ए, तो उसके साथ जा रहा है ना, जरा संभल के रहना, बहुत ही खतरनाक है वो, समझ गया कि नहीं? डर मत, तेरा भाई शेर है। अरे सच में मार डालेगी तुझे भाई। ए, चलो हम लोग चलते। मुझे क्या। हाँ चलो। सपना, व्हाट हैपेंड? चलो क्या हुआ, डर गई क्या? डोर नॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? अरे दरवाजा खुला ही था। क्या है? फोन। यू कैन गो। ओके थैंक यू इडियट। सुनो। हाँ? अभी हमारा वहाँ जाना जरूरी है क्या? अरे मछली पकड़ते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, शहर में कहाँ मिलता अरे है। अरे ऐसा भी क्या देखोगी, चलो ना सबके साथ चल के एंजॉय करते हैं थोड़ा। तुम चुपचाप आओ, चलो। कब से चुपचाप ही तो चल रहा हूँ। हाँ। तुम देख रहे हो इतनी फ्रेश हवा शहर में कहाँ मिलेगी। रिसर्च में भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी। देखो ऐसे प्लांट्स अगर शहर में रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। अगर तुम्हें ये जगह इतनी पसंद है तो यहीं पे आके क्यों नहीं रहती हो? क्या कह रहे हो, मुंबई में अगर बड़ी मछली पकड़ कर फ्राई करके खाएंगे तो कितना मजा आएगा ना, तुम तो सोच भी नहीं सकते कितना एक्साइटमेंट होता है। कैसी कैसी आवाजें आ रही है। तेजू, तेजू, तेजू! अरे मैं इतनी बातें कर रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे टिल्लू, ए टिल्लू कहाँ छुप गए हो तुम? देख मजाक मत कर, बाहर आ जाना तेजू। टिल्लू क्यों डरा रहे हो तुम मुझे? ए तेजू, मैंने नहीं, तूने डराया मुझे। मैं तुमको क्यों डराऊंगी? अरे मुझे क्या पता, डराना तेरा बचपन से शौक होगा और क्या। हाथ दो। अरे बाप रे, कितना डर गई थी पता है। ऑर्गेनिक बहुत पसंद है ना, ले। क्या है ये, ऐसे डरा क्यों रहे थे? मैंने कहाँ डराया, मैं तो अभी मछली पकड़ने जा रहा हूँ, उसके बाद उसे बनाऊंगा। मतलब हम दोनों को तुमने नहीं डराया? मैंने नहीं डराया, लगता है तुम लोग जंगल में आकर भ्रम से डर गए हो। ठीक है, मछली वहीं पर खाओगे क्या? नहीं नहीं चाचा, रहने दो, बंगले में जाके खा लेंगे। रास्ता पता है? हाँ यहाँ से। हाँ यहाँ से। नहीं इधर से है। हाँ अच्छा ठीक है चलो। मैं बता रहा हूँ उस बुड्ढे में ही खोट है, वही हमें छुप छुप के डरा रहा होगा, झूठा कहीं का। ए
मेरी बात सुन, ये सब तुमने ही सेट किया है। तुम उसे लेकर गए और उल्टा मुझे टेंशन में डाल दिया। ए, टेंशन नहीं, मैं नहीं होता तो तू बचती नहीं, समझी? हेलो, मैं थी इसीलिए तू जिंदा बच कर आया। अच्छा, ऐसा क्या? और नहीं तो क्या? क्या बात है ब्रो, इधर ही कैंपिंग की आग जला रहे हो। लकड़ियां उठा के लेके आओ। What is all this campfire? मैडम नहीं लेंगी। ओके। ये बहुत अच्छी है। ए भाई, हाँ? तेरी ये कोरियर सर्विस बंद हो गई हो तो कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करें क्या? कौन सी एक्टिविटी? वो ट्रूथ और डेयर का गेम होता है ना? यस। सपना से पूछ लेते हैं। ट्रूथ नहीं, डेयर करना पड़ेगा। डेयर। ओके ना? ये बताओ तुम दोनों के बीच कौन कौन सी फीलिंग है? अपनी फीलिंग्स अपने पास ही रखनी। तुम दोनों अपना T20 बाद में खेलना। एक काम करो, जाके उस पेड़ को छुओ और साबित करो कि वहां पे भूत नहीं है। चलो। ओह गॉड, ओके, आई जस्ट सपना, मैडम जी, मैडम क्या हो गया आपको? मैडम, मैडम आप ठीक तो है ना? चलिए आराम से।
आइए आराम से, आराम से मैडम, आराम से। चलो चलिए, इधर बैठिए, आराम से मैडम, बैठिए 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 मैडम, बैठिए आराम से। इसे भूत ने पकड़ लिया है। चुप रहो, किसी भूत ने नहीं पकड़ा है। इस कीड़े ने काटा है। कीड़ा है भाई, तुम लोग इन्हें देखो, मैं कार में से कुछ दवाइयां लेके आता हूं, ठीक है? भानु पानी लेकर आओ। हाँ। ये दवा खा लीजिए मैडम, पानी दीजिए। आप ठीक है ना मैडम? आर यू ओके? सुनो, इसे रूम में लेकर चलते हैं। हाँ ओके ओके मैडम, आराम से उठिए, संभल के संभल के। आराम से मैडम, आराम से। चलिए केयरफुल। हाँ चलिए आराम से मैडम, केयरफुल। तेजो चलो, आइए मुझे बस लेटा दो। पिलो, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेट जाइए आराम से। ओके हाँ, मैं ठीक हूँ। ओके, ओह माय गॉड। चलो ए टिल्लो, ऐसा लगता है ये सदमे में है। चलो हम लोग चलते हैं। हाँ क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं मैडम। आपकी तबीयत तो ठीक है ना मैडम? हाँ ओके। इरिटेट मत करो, प्लीज जाओ यहाँ से। लगता है दवा का नशा है, आप आराम करिए। ओके भैया, ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा? स्ट्रांग बनो ना भैया। ए, वो इविल डेड पोस्टर देखता है तो सो नहीं पाता है, और ये देख लिया तो भगवान ही बचाए। इतना डरने की जरूरत नहीं है। लड़की बेहोश हुई, गिर गई, उसका चेहरा बदल गया। हम डरे बिना कैसे रह सकते हैं? हम कोई हीमैन की औलाद थोड़ी है। ये लो इसे पियो और थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अरे कुछ नहीं होगा, पी लो। अच्छा ये बताओ कि आप लोग फ्रेंड कैसे बने, कैसे मिले सब लोग? पहले हम लोग फ्रेंड्स नहीं थे, बस 2 साल से ही फ्रेंड्स बने हैं। हम लोग यहाँ पर आर्कियोलॉजी रिसर्च के लिए आए हैं, हम कोई लोकल नहीं है। और भानु को तो बस 4 महीने हुए हैं यहाँ आकर। 4 महीने? इन 4 महीनों में अजय ने उस लड़की को कैसे पटा लिया, और वो लड़की अजय से पट कैसे गई? इस मैटर के बारे में बस इसे ही पता है। चल बता। बताओ ना ब्रो। ये बहुत बड़ी कहानी है। हाँ। और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जरा खाली होके आता हूँ। अभी तो ट्रेलर ही देखा मैंने और आप इंटरव्यू बोल के जा रहे हैं। बैठो ना ब्रो, बताओ ना ब्रो, प्लीज। संजय, समझा करना, लीकेज हो जाएगा। फेस देखने के बाद इसकी आधी हवा तो टाइट हो गई। जा कम्प्लीटली करके आ जा, जाना कैरी ऑन। कुछ भी बोलती है दिल पे मत लेना। हाँ ठीक है ठीक है, जल्दी आना। हाँ हाँ तू जा संजय, तुम्हें भी जाना हो तो जाओ। चीयर्स, जाने दो, पियो। कोई देख तो नहीं रहा। Huh?
फोन लेने आया था, मेरा फोन छूट गया था। मैं समझ गया, बुड्ढे का चक्कर है। क्यों मजे ले रहे हो चाचा? बिना साउंड किए कहीं पर भी कैसे घुस जाते हो? सच बताओ, तुम्हें शहर वाले पसंद नहीं है इसलिए डरा रहे हो ना? मैंने कहा तुम्हें डराया? ये बताओ, रात को जंगल में घूमने के लिए मना किया था ना? हमें आप पे डाउट था इसलिए आपका पीछा किया। ठीक है, मैं बंगले पर जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। भूतनाथ जी, भाई भाई एक बात कहूं आपसे, वो मछली देंगे ना तो हम उस मछली को अच्छी तरह से काट के फ्राई कर लेंगे इसमें। ब्रो तुम अपनी लव स्टोरी सुनाओ ना यार। हे अबे डेढ़ दिमाग, वो पूछ रहा है ना तो बता दे। अरे पता नहीं क्या बोलूं क्या नहीं, जिंदगी झंड है या मैं भंडू पता नहीं। अब मुझे जाना होगा, मेरी बीवी के हाथों मछली बनवाकर भेज दूंगा, खाकर मेरे घर पर आ जाना। यहां पर सोने के लिए मना किया है ना, वहां आ जाना। हे, तुम बोल सकते हो ना? अरे तुम्हें कुछ बताना है, मेरे पेट में बात नहीं रुक रही है। अजय की लव स्टोरी बता रहे थे ना तुम? अरे नहीं, अक्कल के पैदल, उसके बारे में बताना है। अरे शेर की बातें नहीं बाबा, लव स्टोरी पूछ रहा है ना, उसके बारे में बता। मेरे पेट में फिर कुछ कुछ हो रहा है। अरे ये क्या लगा रखा है बार बार? अरे पता नहीं बार बार प्रेशर आ रहा है, आता हूँ अभी। क्या हुआ तेजू जी, ये बार बार फ्लश मारने के लिए क्यों जा रहा है? अच्छा हुआ कि रास्ते में इसकी तबीयत नहीं खराब हुई। वो ऐसा ही है, टिपिकल कैरेक्टर, किसी को समझ में नहीं आता। सच कहूं तो मुझे अभी भी उसकी लव स्टोरी समझ में नहीं आई, अजय की। पर कोई है? लगता है संजय होगा, मैं जाके देख के आता हूं, तुम यहीं रुको। तुम यहीं पर रुकना, मैं बस जाके देख के आता हूं। बी केयरफुल। हाँ। क्या हुआ अजय? ऐसा लगता है कोई मेरे रूम के आसपास घूम रहा है, मैं समझा कि संजय होगा। भाई सॉरी। हाँ अच्छा, ये टिल्लू कहाँ है? अरे वो अभी अभी पीछे गया है डाउनलोडिंग के लिए। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ जाके। ब्रो रुको, मैं भी आता हूँ। ए तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ मैं जाती हूँ, रुको।
मुझे छोड़ के जा रही है? हाँ अजय, कहीं नजर आया क्या वो? नहीं तो। राइट साइड में देखा क्या? नहीं देखा। एक काम करो, तुम जाओ राइट साइड में देखो, मैं लेफ्ट साइड में देखती हूँ। ठीक है। बी केयरफुल। हाँ ओके ओके। ऊपर वाले मेरी जान बचा ले। Oh!
Hey, अजय, क्या हुआ? हाँ? पता नहीं, मेरा पैर एकदम से जाम हो गया है। तू एकदम सीधे खड़े रहे, हिलना मत। तेरी जेब में लाइटर है ना, उसे निकाल। ओके। भानु, भानु, अजय, अजय, चल यार यहाँ से, यहाँ खतरा है। अजय, अजय चल यहाँ से, यहाँ बहुत खतरा है। अजय मेरी बात मान, चल यहाँ से, अजय चल, निकल जल्दी यहाँ से, तू चल यहाँ से, अजय यहाँ बहुत खतरा है, अजय तू तू यहीं रुक, तू यहीं रुक, अरे रुक ना यार, चल चल मेरे साथ चल, अजय अजय निकल यहाँ से यार, बहुत खतरा है, तू बाहर चल यहाँ से, अजय तू बाहर चल ना यार। अजय, 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 यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूं, यहाँ पर क्या हो रहा है? भानु को इतनी बेरहमी से कौन मार सकता है? देख यार अजय, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। समथिंग गोइंग रॉन्ग, टिल्लू मिसिंग है। भानु को इतनी बेरहमी से मार दिया गया। भानु को किसने मार डाला इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता भाई, लेकिन मैं तो भानु की आवाज सुनकर ही वहां पर आया था। अरे तुझे पता है, सपना तो वहां बगल के रूम में थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेफ है। क्या कहा, सच में? हाँ वो बिल्कुल सेफ है। बगल वाले रूम में भानु को इतनी बेरहमी से मारा और सपना को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ये कंफर्म है भाई। भानु को सपना नहीं मारा, सपना पर भूत का साया है भाई। ए, क्या बोल रहा है यार तू ये? हाँ नहीं भाई, सच में सपना पर भूत आ गया है। तुमने बोला ना कीड़े ने काटा है, और भूतनाथ ने कहा था कि यहाँ पर रात में रुकना मना है, और अगर ज्यादा क्वेश्चंस किए तो हम में से कोई नहीं बचेगा। और उसके बाद फिर रात में ही सपना की बॉडी के अंदर भूत आ गया। टिल्लू के मिस होने में और भानु की मौत में सपना का ही हाथ है। अजय कूल, अजय कूल, मैंने सपना को एविल टैबलेट दी है जिसकी वजह से वो नशे में है। उससे पहले हमने उसे थम्सअप में वोदका मिला के पिलाई थी, वो पूरी तरह से बेहोशी की हालत में है। नहीं भाई, आपको सपना में इंटरेस्ट है इसलिए आप सपना के फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन सपना में सच में भूत आ गया है। एक तो पहले से टिल्लू मिसिंग है और अभी तो तेजू भी मिसिंग है। ऐसा लगता है कि वो हमको भी मार डालेगा, क्योंकि भानु को पहले ही उसने बेरहमी से मार दिया। नहीं होगा ब्रो, नहीं। हे, तुम लोग आर्कियोलॉजी स्टूडेंट हो यार, तुमने ये भूत ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हो? साइंस से भी बढ़कर कोई चीज है दुनिया में, पूरी दुनिया इसे मान चुकी है पता है, और मैं भी अच्छे से जानता हूं तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तुम चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन सबको सपना नहीं मारा है, सच में सपना में भूत है ब्रो। ठीक है, मान लेते हैं कि उस पर भूत है, बताओ अब क्या करें? उसे छोड़ के चले जाएं क्या? उसको यहीं पर छोड़ दें हम लोग? हम तो उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ेगी, इसलिए 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 क्या? हम लोग सपना को मार डालते हैं। टेंशन में है तो कुछ भी बोलेगा क्या तू? मेरी बात सुन, हम लोग बहुत डेंजर में हैं और हमें इसके पीछे का राज पता लगाना है। टिल्लू! सुना तूने? संजय! अपने दोस्तों की आवाज आ रही है, कोई चिल्ला रहा है, रास्ता भूल गया होगा। संजय! तू यहीं रह, मैं उसे बचा कर लेकर आता हूँ। और सपना को होश आया ना तो उसे तू इस बारे में कुछ नहीं बताएगा, समझ गया ना? समझ में आ रही है मेरी बात? मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है ना तुझे? तू यहीं रुक, मैं सबको सेफली लेकर आता हूँ।
अभी मैं वहां जा रहा हूं, तब तक तू यहीं रुक। तुझे कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं करना है। ए, समझ में आ रहा है ना? मैं जा रहा हूं अभी, तू यहीं रहना। ओके? Thank you.
अजय, तुम अभी कैसा लग रहा है तुम्हें? I'm okay, feeling better. ठीक है, तुम कुछ खाना चाहती हो? हाँ, भूख लग रही है. कुछ है क्या? हाँ है, चलो. सब लोग कहाँ हैं? सब लोग जंगल में गए हैं. तुम चल तो सकती हो ना? I'm okay. ठीक है, चलो. भानु कहाँ है? वो अपने रूम में सो रही है. ये लो. बहुत अच्छा है. बियर पीना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं पीना. ये सब लोग वहां क्यों गए हैं? अरे वो पहले तो टिल्लू चला गया, फिर उसके लिए तेजू वहां पर गई, और उन दोनों को ढूंढते हुए वो ड्राइवर भी चला गया. वो अपना ड्राइवर नहीं है, संजय? हाँ वही, वो संजय भी गया है. Oh.
हे तेजू, तुम हो क्या? संजय? हाँ, मैं। सॉरी, सॉरी संजय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टिल्लू को किसी ने मार दिया। यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? अजय बोल रहा था कि उसने खिड़की के पास किसी को देखा था, और वो इसी फॉरेस्ट में कहीं पर है। उसे ही फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर आई। यहाँ पर कुछ तो अजीब है, सब कुछ चेंज हो रहा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी शक किया मैंने। टिल्लू को बेरहमी से मार दिया गया। बाकी सब लोग सेफ है ना? तेजू, देखो तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी। भानु को किसी ने मार दिया है, लेकिन अजय सेफ है। भानु को मार दिया? यहाँ पर क्या हो रहा है संजय? पता नहीं। तेजू, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ, यहाँ से बाकी लोगों को भी सेफली बाहर निकालना है। टाइम नहीं है हमारे पास। चलो चलो, जल्दी चलो। अगर वो मुझे मिल गया ना, तो मैं उसे मार डालूंगी। जल्दी चलो, टाइम नहीं है। अजय, टिश्यू पेपर देना। हाँ, ये लो। थैंक यू। कोक है क्या? या, लो। थैंक यू। अरे, क्या हुआ? आर यू ओके? टैबलेट है क्या? हाँ है ना, यहीं पर तो रखी थी। हाँ, ये लो। देखो सपना, एक्चुअली हुआ क्या था तुम्हें पता? एक मिनट, थोड़ा सो जाती हूँ। मैं बैठ नहीं सकती, I'm so sorry। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। श्योर? हाँ। मैं जाके रस्सी लेके आता हूँ। जल्दी आना। डोंट वरी तेजू, मैं आ जाऊंगा, मैं लेके आता हूँ। हाँ, रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। अरे हाँ? क्या हुआ भाई, वो लोग मिल गए क्या? अरे भाई शांत क्यों खड़े हो, बोलो ना। उसे कैसे भी बचाना पड़ेगा, हमें रस्सी चाहिए यार। मैं जाके लेके आता हूँ। हाँ? अरे भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो उसके अंदर भूत है और वही हम सबको मार रही है भैया। अजय, अगर उसके अंदर भूत होता तो वो सबसे पहले मुझे मार देती, अभी मैं तेरे सामने यहाँ जिंदा नहीं होता। भाई वो किसको और क्यों मार रही है, उस बात का मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। अब चलो यहाँ से। देख अजय, तेजू वहाँ खाई में है और मुझे उसे बचाना है। मैं उसे बचाऊंगा, तुझे नहीं आना है, मत आ। अरे भाई, ओ, 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 ओ,
अरे भाई चलो चलते हैं यहाँ से। अजय, तेजू वहाँ खाई में है और मुझे उसे बचाना है। ए, यहाँ क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है क्या? हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है, और शायद तुम्हारे वहां पहुंचने तक तेजू भी मर जाए। चलो हम लोग चलते हैं। अजय प्लीज, लास्ट अटेम्प्ट, मैं तेजू को बचाऊंगा। अजय चल चलते हैं। तेजू खाई में, तेरी भी जरूरत पड़ेगी। भाई मैं क्लियरली बोल रहा हूँ तुम्हें, सपना के अंदर भूत है, पहले जाकर उसे मार डालते हैं, नहीं तो हम लोग भी यहाँ से भाग चलते हैं। अगर यहाँ रहेंगे तो सच में मर जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है तुझे? जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो जिंदा है उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। तुझे मुझ पर विश्वास है या नहीं? बोलना, बोल है या नहीं? ठीक है, तू यहीं पे रुक, लेकिन सपना को मत छूना। अगर आधे घंटे में मैं नहीं आया तो तेरी जो मर्जी तू कर सकता है। तेजू, रुको, मैं आ गया हूं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तेजू तुम्हें कुछ नहीं होगा।
देखो उसके अंदर भूत है, मैं उसे मार डालूंगा। पागल हो गया क्या तू? ए, तू पागल हो गया क्या? उसे मार डालते हैं। रुक जा, ए, पागल मत बन। ए, अजय, नहीं, अजय, हट, नहीं, ऐसा मत कर, नहीं, अजय, हे, अजय, तेजू जिंदा है क्या? तूने कहा था ना कि तू उसको बचाएगा, छोड़ मैं मार डालूंगा उसको। नहीं यार ऐसा मत कर। मेरी बात सुन, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। अगर तू मुझे नहीं मारेगा तो भी वो मुझे मार ही देगी। छोड़ दे संजय, उसका मरना बहुत जरूरी है। नहीं। और कोई रास्ता नहीं है, छोड़ छोड़। नहीं तू ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं छोड़ मुझे। नहीं 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 संजय, संजय दरवाजा खोल, संजय। हेलो हेलो, तेजू है क्या? मेरा नाम संजय है सर, मैं उसके साथ यहाँ फॉरेस्ट में आया हूँ सर। फॉरेस्ट? कौन से फॉरेस्ट? यही तालाकोंडा सर। पहले तेजू को फोन दो। सर यहाँ पर कोई नहीं है सर। बेटा सच सच बताओ क्या हुआ है? तीन मर गए हैं सर और तीन बचे हैं। सर हेलो सर, कुछ बोलिए ना सर, कुछ तो बोलिए सर। वहां पर कोई सो रहा है क्या? सर अगर सो रहा है तो क्या होगा सर? तुम एक मिस्टीरियस प्लेस पर हो, वहां एक नेगेटिव एनर्जी है। जो सो रहा है उसके अंदर एक दूसरी आत्मा है, सपना मतलब तीसरी शक्ति मतलब गहरी नींद, और उन दोनों के बीच में एक आत्मा है, वो सपनों को सच दिखाती है। मतलब सपने में जो होगा वो हकीकत में होगा, उसे तांत्रिक लोग बहुत आग्रह करके बुलाते हैं। लेकिन वो आत्मा आती नहीं है। तुम जहाँ पर इस वक्त हो वो नेगेटिव एनर्जी नींद के अंदर ही सुषुप्ति दर्शन को, जो सो रहा है सबकॉन्शियस के अंदर जाकर कुछ दृश्यों को क्रिएट करते हैं, और बाद में वही दृश्य वास्तव में सच हो जाते हैं। तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। 100 साल पहले जो ब्रिटिश फैमिली वहां गई थी उसके साथ ऐसा ही हुआ था, वो सब मारे गए। और उसके बाद बहुत लोगों ने पता लगाने की कोशिश की, एक बुक भी लिखी है, लेकिन अभी भी ये मिस्ट्री ही बनी हुई है। इसलिए वहां किसी को भी सोना नहीं चाहिए। हेलो 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 हेलो, सपना 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 उठो, सपना सपना उठो प्लीज, सपना 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 उठो। अगर तुम नहीं उठी ना तो हम सब मारे जाएंगे। ये जगह बहुत डेंजर है, ऑलरेडी 3 लोग मर चुके हैं। क्या हो रहा है? बात मत करो कुछ, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हारा कोई ना कोई लिंक जरूर है। सपना उठो उठो। लिंक? तुम्हें जब जब सपना आ रहा है तो कुछ दिख रहा है क्या? मतलब सपने में कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ बोलो सपना, सपना बोलो ना, सपना सपना बोलो। ऐसा लग रहा था हाँ, कि ग्लास किसी ने मुझे बोलो 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 ना कट किया है, और कोई खाई के अंदर गिर गया। सपना अगर तुम सो गई ना तो हम सब मारे जाएंगे। ओके तुम सोना मत, आंखें खोलो अपनी। ओके तुम जगती रहो, मैं अजय को लेके आता हूँ। आंखें खोलो सपना। हाँ सोना मत सपना, मैं अजय को लेके आता हूँ। Yeah.
सपना उठो, सपना उठो, सपना। सोना नहीं है, चलो तुम खड़ी हो जाओ। सब लोग सेफ है ना? कौन सेफ है? हाँ सब लोग मारे गए हैं। चलो चलो जल्दी खड़ी हो, चलो हम निकलते हैं, हम निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो सपना, जल्दी करो, जल्दी चलो। उठो सपना, सपना उठो सपना। क्या हुआ? सब लोग मारे गए हैं सपना, सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं। क्या? प्लीज सपना तुम सोना मत सपना, अगर तुम सो जाओगी तो हम दोनों भी मारे जाएंगे। सपना सपना प्लीज मत सोना। सपना ओके, टू मिनट्स मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। टू मिनट्स प्लीज, तुम सोना मत, सोना मत। टू मिनट्स मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सपना, सोना मत। ओके सोना मत सपना प्लीज, सोना मत सपना प्लीज। Oh.
Hey, सपना, सपना।